नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 मार्च 2024 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का फलों का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अमरूद की। चलिए जानते हैं जो 16 नंबर सेट है यहाँ पर अमरूद आता है। ये सारा जितना आपको दूर तक चमक रहे हैं सारी गाड़ियाँ आज अमरूद की है जी। ये सारी की सारी सबके पास आज अमरूद है। ये सारा अमरूद मंडी है 16 नंबर सेट में। चलिए जान लेंगे आज का कैसा माहौल है अमरूद का। जहाँ पर तीन किस्म का अमरूद आता है, एक पिंक ताइवान जो अंदर से गुलाबी होता है, एक रेड डायमंड जो थोड़ा सा लाल होता है पर आजकल वो भी अंदर से पिंक निकल रहा, एक आता है VNR जो सफ़ेद है। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है, कहाँ कहाँ के माल आए, बिक्री कैसी चली। और इसी साइड में आता है दोस्तों आम, और इसी साइड में आता है दोस्तों कैसे हो जी, यहीं पर आती है बेलगिरी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट। मोनू भाई साहब बेच रहे हैं यहाँ पर, और यहीं पर जो है फरमान भाई साहब बेच रहे, ये भी यहीं पर हैं और इधर आसपास, क्योंकि अब इनके सारा सबके साइड नज़दीक नज़दीक हो गए। चलिए जान लेंगे। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। मोनू भाई साहब जी आज का कैसा है जी, माल कम है ज़्यादा है जी? राणा जी आज माल दिल्ली के मुकाबले ज़्यादा है। अच्छा, कम से कम मेरे ख्याल से 12 से 13 गाड़ियाँ आज। 12 से 13 गाड़ियाँ जी राणा जी, हर के पास आज अमरूद है, सब पे सबके पास राणा जी अमरूद भरा पड़ा है। ज़्यादा माल कहाँ का जी है? ज़्यादा महाराष्ट्र का मनु, महाराष्ट्र। अच्छा, का ज़्यादा है। ये बताओ अभी आप महाराष्ट्र में घूम के आए एक दो दिन पहले जी, तो कैसा माहौल है, बारिशें कैसी हैं, पानी कितना है, फसलें कैसी हैं? बारिशें तो कोई खास नहीं है लेकिन गर्मी ज़्यादा है महाराष्ट्र में, गर्मी ज़्यादा है। अच्छा जी, हाँ बाकी माल शॉर्ट कर रहे थे लेकिन मुझे लगा नहीं है कि शॉर्ट है, क्योंकि डेली की तरह 5 से 6 गाड़ी आज भी है महाराष्ट्र की। अच्छा जी, हाँ और आज MP भी ज़्यादा है, MP भी डेली आ रहा था 3-4 गाड़ी, आज 6 से 7 गाड़ी MP। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आज का बाजार क्या है, बिक्री कैसी है जी? राणा जी बिक्री ठीक ठाक ही है, बाकी मान के चलो मंडी आज क्लियर होना मुश्किल है। फिर ठीक क्या है जी, मंडी का जो क्लियर होना मुश्किल है जी? राणा जी जो बढ़िया माल है उनके लिए तो ठीक है। अच्छा जी, जो हल्के माल है वो पड़े रहेंगे आज। हल्के माल कहाँ गया ज़्यादा इस समय? हल्के माल राणा जी दोनों तरफ के हैं, महाराष्ट्र के भी हल्के हैं, जो ग्रेडिंग होके आते हैं महाराष्ट्र के भी हल्के हैं, MP के भी हल्के हैं। ये कहाँ गया ये? राणा जी ये MP का माल है। अच्छा जी, अच्छा। तो आज के रेट बता दो जी, हल्के से नीचे से रेट बताने शुरू करो जी। राणा जी नीचे मान के चलो आप 2500 रुपये से लेके 50-55 रुपये तक। 25 से 55 रुपये। अच्छा जी, और जो बड़ी, हाँ और कोई सुपर क्वालिटी होगा तो 60-65, यानी टॉप क्लास का 60 है और नीचे 25 रुपये से शुरू हो जाएगी। और मोटे छोटे में जो है मीडियम क्लास के ऐसे जैसे भी देख लो, जैसे ये मीडियम है, हाँ जी ये तो राणा जी बिक जाएगा 30-35 रुपये तक बिक जाएगा। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। और जैसे ये है जी, ये ऐसे ये राणा जी रेड डायमंड। अच्छा, इनके क्या बाजार है? ये राणा जी रेड डायमंड है, ये आपका गुजरात वाला रेड डायमंड है। अच्छा जी, इसमें जो एक नंबर का माल है वो राणा जी मान के चलो 80 रुपये, 75-80 रुपये तक। अच्छा जी, और जो हल्के माल है जैसे ये दागी हो रहे हैं 20-25-30 जैसे बिक जाए। और MP का रेड डायमंड? MP का राणा जी रेड डायमंड आया था वो बिका है 85-90 रुपये। अच्छा जी, और महाराष्ट्र का भी आ रहा जी? नहीं महाराष्ट्र का अपने पास नहीं आ रहा, बाकी महाराष्ट्र में रेड डायमंड इस बार कमी है। अच्छा, आपको गर्मी ज़्यादा होगी इसलिए पहुँच नहीं रहा। अच्छा जी, ये रेड डायमंड में बस एक ही नुकसान है, ये पहुँचता नहीं। पहुँचता नहीं राणा जी, हल्का ज़्यादा थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा होता है, ये पिंक से भी हल्का होता है। अच्छा, पिंक तो फिर भी एक दो दिन चलता है, एक दो दिन भी नहीं चल पाता है, गर्मी बिल्कुल नहीं चल पाता। बस मजबूती में जो 3-4 दिन रुकेगा ये भी है ना, ये ना अंदर से सफेद है बिल्कुल जी, इसका थोड़ा बीज सख्त है अंदर से, रेड डायमंड का नरम है ये। और बेलगिरी यार भाई साहब जी? नहीं राणा जी बेलगिरी नहीं है, अभी खाली अमरूद है जी, अभी अमरूद है सर। अच्छा जी, अच्छा, चलिए जी धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर 2438 आजादपुर मंडी 8588005252 विशाल एंड कंपनी। पानी की कमी है महाराष्ट्र में? राणा जी हमारे पानी की तो कमी जाती है महाराष्ट्र में हमेशा। अच्छा जी, भयंकर गर्मी पड़ेगी, गर्मी अभी से शुरुआत हो ली, अभी से बहुत गर्मी है। चलिए धन्यवाद भाई साहब। चलिए दोस्तों जानते हैं इसी 16 नंबर साइड में, अब 16 नंबर साइड में भी आम बिकने लग गए यहाँ पर पक्का, और सामने जो है 17 नंबर है उसमें बिकने लग गया कच्चा। कच्चा और पक्का दोनों जगह आ गया, जहाँ पर पहले किन्नू बिकता था वहाँ कच्चा बिक रहा है, और ये 16 नंबर में ये पक्का। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ कितनी आई, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल, नज़ारेदार माल आ गए सबके पास। चलिए जान लेंगे आज का इनके भी, अब जो है सीजन हो चुका, अभी तक तो मौसमी का सीजन चल रहा था, मौसमी भी आ रही और इनके पास आम भी आ रहा। बहुत जी नमस्कार जी, बढ़िया जी बाबू जी, ठीक ठाक जी। जी बाबू जी, आम का कब से करा जी सीजन? आम का 2-4 हफ्ता हो गया बाबू जी शुरू करा। आपके पास जी? जी जी, दिखे ही नहीं जी, फिर आपने बताया भी नहीं जी। बस इसलिए बस रह गया बाबू जी, अब मैंने देखा भी नहीं आपको। अच्छा जी, मैं तो अचानक ही नजर पड़ गई आपके पास बैठे यहाँ पर जी। तो कहाँ वाले माल आ रहे जी? ये हैदराबाद के आम है जी। अच्छा जी जी, अभी तो रंग तो बड़ा बढ़िया रहा जी सबके पास जी, रंग भी बढ़िया है, थोड़ा हल्का भी है, सब तला माल आ रहा है।
अच्छा जी, अच्छा, सब तरह का माल है। तो इसकी कितनी गाड़ियां आ रही लगभग जी? आज 8-10 गाड़ियां हैं इसकी पक्के की। जी जी जी। और कच्चे वाला अलग में का? कच्चे भी अलग है, अलग उसमें भी 8-10। अब तो अलग अलग सेट मिल गए जी सबको? हाँ, अब अलग अलग। अच्छा जी, अच्छा, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया राणा जी। बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। तो आज के कैसे बाजार चल रहे भाव जी? बाजार वही चल रहे हैं भाव जी, 120 तक। अच्छा जी, 80 से लेके 80-90 से 120 रुपए तक। अच्छा जी, माल है, माल की सफाई पे बात है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। और मौसमी आई है अपने पास? नहीं, मौसमी अभी नहीं, अभी जरा इसमें आम में है। अच्छा जी, और मौसमी की गाड़ियाँ भी आज 50 से ऊपर हैं। अच्छा जी, मौसमी की? जी जी, उसका भी लोड बढ़ गया जी? बिल्कुल लोड बढ़ गया, पैसे बनते नहीं, नुकसान हो रहा है व्यापारियों को, इसलिए बंद करा रखी है। अच्छा जी, जब पैसे बनेंगे जब ही माल मिलेगा। अच्छा जी, जी जी, चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी। मोबाइल नंबर जी? मोबाइल नंबर है 9811386591। दुकान का नाम है शहजाद एंड सन्स, C559। बहुत बहुत शुक्रिया। और चैलेंज को राना दोस्तों, ये 80 रुपए से लेकर 120 रुपए तक के जैसा माल लेंगे उसका वैसे ही इलाके के हिसाब से फायदे के रेट है जी। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का अनार का क्या बाजार चला, अनार की कितनी गाड़ियाँ ही रेट। टाइम हो गया जी, 12:30 बज गए जी। और ये बाबू जी का जो है मोबाइल नंबर है, ये इनकी दुकान का एड्रेस है जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या पोजीशन, बोली ख़त्म हो चुकी है, आप तो जाने लग रहे थे जी। बाबू जी नमस्कार जी। और राणा साहब, ये आने का टाइम है यार, 12:30 हो गए। चलो रेट तो आप ही खोलते हैं जी नार का, रिपोर्ट रेट मंडी लगी होती है तो वीडियो बन जाती है, लोगों को आइडिया हो जाता ना। अच्छा जी, बाजार बढ़ रहा है। अच्छा जी, माल आ रहे ज्यादा। गाड़ियां कितनी? 40 गाड़ी थी, आज 42 गाड़ी है। परसों 40, दो चार और भी आ रही होंगी। अच्छा जी, इतना माल कैसे बढ़ा जी अभी? गुजरात का लोड बढ़ गया, पीक सीजन है राणा साहब इस समय, 15-20 दिन अभी चलेगा, उसके बाद फिर कम हो जाएगा। पूरा पीक सीजन है जी? हाँ, इस टाइम तो फुल हो गया। और इतनी गर्मी में कैसे चल रहा जी माल? अब गर्मी पड़ रही है ना, अब सबने निकालना शुरू कर दिया, नहीं निकालेंगे तो माल खराब हो जाएंगे आगे। अच्छा जी, वो भट्ठे वाले हो जाएंगे? हाँ। अच्छा जी, तो माल फट भी रहे हैं, ज्यादा फटे हुए भी आ रहे हैं। आज क्या क्या रेट काट दे जी? बढ़िया माल बिक रहे राणा, हल्के माल तो 350-350 रुपए, बढ़िया माल 500 से लेके 900 रुपए तक रेट है। 500 से 900 रुपए बढ़िया माल, 11 किलो वाले। अच्छा जी, अच्छा। गाड़ियाँ कितनी बताई आपने? गाड़ी है सुबह 42 थी, बाद में 2-4 और आ गई होंगी। अच्छा जी, अच्छा, 45 के आसपास होंगी। अच्छा जी, माल बहुत आ रहा है इस टाइम। बस मैं तो आलू प्याज में उलझ गया जी, कभी सब्जी में आलू में प्याज में इधर उधर जाना पड़ता है। मेहनत ज्यादा कर रहे हो ना। बस बाबू जी अपना जाम तो देखो मंडी का जी, कैसे चलूं मैं? क्या राणा साहब क्या कहे किसी को यार, समझ नहीं आ रही, कुछ करते है नहीं। आलू में इतना जाम लगा, परसों इतना जाम था, लोगों के रात को माल नहीं उठ पाए। बताओ जी, मैं कपड़े फट गए मेरे आज, फिर नवा पजामा ले घर की लड़ाई पा जी, मैं पाड़ का जावा जी। चलो इसी बहाने नया आ जाएगा। कहां से टपुइन के ऊपर से छलांगे लगा लगा के किसी की रेडी के ऊपर से किसी हाथ तो फिर भी थोड़ा खुला हुआ उस मंडी में देखो ना जी, उधर की तरफ मौसमी की तरफ और उधर तरबूज की तरफ क्या हो रहा है राणा साहब? एपीएमसी वालों ने गार्ड तो रखे हुए हैं, मंडी वालों को अपने प्राइवेट गार्ड भी रखने पड़ेंगे। हाँ, जल्दी काम चलेगा। चलिए जी, यानी अभी जाम खुलेगा। बिक्री कैसी चली जी अनार की जी आज? बिक रहा है माल, ऐसी बात नहीं, बिक रहा उठाव है, लेकिन बाजार लेवल में। और जो टॉप क्लास होते हैं जी, उनके क्या रेट चल रहे हैं? राणा साहब 1100 वाले रेट है, उनका रेट नहीं गिना जाता मंडी में, नॉर्मल रेट है 400 से लेके 900 रुपए तक। उनका रेट क्यों नहीं गिना जाता जी? वो राणा साहब 5% माल नहीं होते हैं। अच्छा, जैसे वो 1100-1200 दो चार पांच डिब्बे होंगे। हाँ जी, वो रेट है 1100-1100 भी है। अच्छा, लेकिन नॉर्मल जो बाजार है यही है, 400 से लेके 900 रुपए। अच्छा, ज्यादा मीडियम माल ज्यादा बिक रहा है, मोटे की डिमांड कम है। और एक गड्डी में माल कितना रहा जी आजकल? ये इसमें राणा साहब 2-2.5 हजार डब्बा आ रहा है एक गाड़ी में। आप ये देखो, एक गाड़ी में डबल लोड करके भेज रहे हैं इसमें, 2-2.5 हजार डब्बा, 2-2.5 हजार डब्बा। और 40-42 प्लस गाड़ियां जी? हाँ, 45 गाड़ी हो गई, 1 लाख डिब्बा हो गया। दिल्ली सारे को खा देगी? दिल्ली नहीं खाएगी, दिल्ली कहाँ खा पाएगी। चलो बाहर तो बिक तो यही, हरियाणा पंजाब यूपी J&K सब जगह जाए। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत। अब तो गरीबों का मजे है राणा साहब। चलो जी, अगर अब नहीं कमा पाएंगे फिर कब कमाएंगे? यह भी बात है जी। और अंगूर दोनों भाई है, दोनों लूट के खा गए। अच्छा जी, अच्छा। और अंगूर कब शुरू करोगे? अंगूर तो राणा साहब खत्म होने वाला है। अंगूर की क्या रिपोर्ट चल रही है? अंगूर तेज है बाजार, 600-700 बढ़िया वाले बिक रहे होंगे। अच्छा, लेकिन परचून वाला कहा घट गया, अंगूर तेज हो गया ना, आगे पैसे नहीं बन रहे। अच्छा जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत ठीक है। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली जादपुर मंडी में आज का तरबूज का क्या बाजार चला। ये है दोस्तों 9 नंबर साइड, यहाँ 9 नंबर साइड में जितना भी आप ये देख रहे हैं सारा लूज वाला यानी तरबूज की गाड़ियाँ हैं जी। और यही जो है 19 नंबर में आती है, यहाँ आपको लूज में मिलेगा और 19 नंबर में आपको ये डब्बों में मिलेगा। डब्बों में छाट कर जैसे वो भरेंगे वो आपको 2-3 रुपये किलो से लेकर 5 रुपये किलो तक एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं डब्बे के नाम के, क्योंकि वो छाट कर भरेंगे। यहाँ जो है कट्टों में मिलेगा आपको लूज,
कम से कम यहाँ 2 क्विंटल 5 क्विंटल 10 क्विंटल 1 टन 2 टन 3 टन 5 टन जितना भी लेना पूरी गाड़ी खुला बंदा लेने वाले हैं। चलिए जानते हैं आज की कैसी पोजीशन चली, कहाँ कहाँ के माल आए, बिक्री कैसी चली मेहरदीन सेठ हैंड कंपनी पे। इनके पास ये 2-3 गाड़ियाँ लग रही, तुलाई चल रही आज का, कैसा बाजार चल होगा। भाऊ जी कितनी गाड़ियाँ आ रही जी आज मार्केट में, कहाँ कहाँ के माल आ रहे जी, क्या पोजीशन चल रही जी। माल जो है महाराष्ट्र का है, खंडवा का है। महाराष्ट्र और खंडवा जी है। अच्छा जी, ये अपना गुजरात चला जी अभी थोड़ा बहुत। हाँ, गुजरात भी है, एमपी का भी है। गुजरात भी एमपी। आज का जी कैसा बाजार चला, कितनी गाड़ियाँ लगभग पता जी कुछ अंदाजे में। गाड़ी लगभग वो भी 80-90 गाड़ी। 80-90 गाड़ी पूरे मंडी में, ये जी सारे साइडों की मिला के जी। आज का बिक्री कैसी चली जी। ये जो अपना महाराष्ट्र है, हाँ जी, ये भी क्या 20-21 रुपए। महाराष्ट्र 20-21 रुपए। अच्छा जी, एमपी का भी क्या 17-18 रुपए। ये लूज के रेट है जी, लूज के रेट है। अच्छा जी, अच्छा डब्बे में लेंगे वहाँ छांट कर वो अलग है जी, डब्बे का मीटर अलग है, दो डब्बे का पड़ेगा। अच्छा जी, और अपने पास खरबूजा आया जी बाबू जी। खरबूजा है, खरबूजे का क्या बाजार चला। 10 किलो का डब्बा 400 रुपए मिल रहा। 10 किलो का डब्बा 400 रुपए का, 40 रुपए किलो गया वो भी खरबूजा जी। और आज अपने पास वो 12 नंबर में संतरा आया जी लूज, संतरा है। संतरे के रेट बता दो जी बाबू। 35 रुपए से 55 रुपए तक बिका। 35 से 55 रुपए लूज में जी। अच्छा, और आम बिका है 100 रुपए से 130 रुपए किलो तक, सबका पक्का क्रेड वाला। पक्का क्रेड आज अपने पास आया जी, आम भी है, तरबूज भी है, संतरा भी है जी, और खरबूजा भी है जी। वाह जी वाह, मेह तरबूज भी तो 14 गाड़ी अपने पास है, ट्रोल 12 टायर। ये आज 12 टायर हैं जी, सारे 12 टायर, 14 गाड़ी है जी, 14। तो ही तो मेहरदीन सेठ लिख रखा है इसके नाम। कल भी संडे में 8 गाड़ी खाली करी थी, मतलब संडे में भी। अच्छा जी, 8 खाली करी थी कल। 8 करी थी आज, मालिक ने कहा 14-14 खाली होंगी। 14 ट्रेले हैं जी बड़े। हाँ, 14-12 ट्रेले। वाह जी वाह वाह, तो ही फिर मेहरदीन सेठ नाम है जी। चलिए धन्यवाद बाबू जी। मोबाइल नंबर जी, मोबाइल नंबर 9811-29-0772। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। दुकान नंबर C687, फर्म का नाम MSS मेहरदीन सेठ एंड सन्स। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाह जी, ये है जी दोस्तों मेहरदीन एंड सेठ सन्स, जिनके पास आज कितने 16-17 ट्रेले बताए बड़े वाले आए, कल भी 8 ट्रेले बेचे जी इन्होंने। यह देखो जी मेहरदीन सेठ, इनसे सीखना चाहिए। मंडी में कुछ बंदे हैं, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, पर मैं उनको तो मेरा मैसेज चला गया होगा भी, स्पेशल देख लो क्या चीज़ है, वो चीज़ बेच रहे और उसका जो है रेट भी नहीं बता रहे, देख लो क्या कैमरे में, इस चीज़ का रेट भी नहीं बता रहे वो, ये कहाँ का ये माल है उनको पता है, और फिर भी अपने बंदों के साथ वो धोखा कर रहे, क्योंकि मेरी वीडियो को वो सभी बंदे देखते हैं, फिर भी अपने ही बंदों के साथ धोखा कर रहे जी। चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाला सबके साथ है जी। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का मौसमी का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं दीपक गोगिया एंड कंपनी पे जो गाड़ी आई जी, सीजन सब जगह का शुरू हुआ है, आज के कैसे बाजार चल रहे, गाड़ियाँ कितनी हो रही जी। बहू जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा साहब। बहू जी कई दिन के बाद चमके जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, आम भी कह रहे जी अब तो आ गया जी अपने पास। आम आ रहा आज। अच्छा जी, आम कहाँ का रहा जी अपने पास। ये आम हैदराबाद का। अच्छा जी, अच्छा जी, सफेद ही है जी सारा। सारा सफेद है जी। अच्छा जी, तो आज की मौसमी की क्या रिपोर्ट है जी। मौसमी राणा साहब 1 नंबर 32 रुपए है। अच्छा जी, जो आंध्रा की है। अच्छा जी, और 2 नंबर 30 रुपए। अच्छा जी, 3 नंबर 27 रुपए 28 रुपए। अच्छा जी, और 4 नंबर 24 रुपए। अच्छा जी, और जो चूरा है वो 19-20 रुपए का बिक रहा है। अच्छा जी, पीला 20 से 21 रुपए। अच्छा जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही जी अभी। गाड़ी 40 गाड़ी खुली है, 10 गाड़ी बंद है। अच्छा जी, हाँ, तो सुबह में जैसे रेट पूछ रहा था जी आम का, वो बता रहे कि जबरदस्ती मंगा रहे जी सारे भी, वारा नहीं खा रहा खाए। आज आम की गाड़ियाँ ज्यादा है ना, ना मौसमी को भी जी है, मौसमी वारा नहीं खा रहा जी, नुकसान है। अच्छा, मौसमी के व्यापारी आए हुए हैं, वो अभी साथ में ही खड़े थे मेरे अभी। अच्छा जी, अच्छा, चले गए हैं। अच्छा जी, तो तेज है पीछे मौसमी जी, मौसमी पीछे तेज है। दिल्ली में जो भेज रहे हैं आज की डेट में पैसे नहीं बन रहे, नुकसान है। अच्छा जी, पिछले हफ्ते में पैसे बने थे, इस हफ्ते में थोड़ा नुकसान है। अच्छा जी, हाँ, तो अभी पीछे से लोडिंग कम हो गई है। अच्छा जी, कल परसों लोडिंग माल दिल्ली में कम आएगा। अच्छा जी, हाँ जी, तो वहाँ माल वहाँ पर गर्मी के कारण तेज हो रहा जी बाजार, उधर गर्मी वहाँ पे पहले कलकत्ता सिलीगुड़ी इधर उधर तेज था। अच्छा, उस वजह से उधर तेजी हो गई थी। अच्छा जी, अभी कलकत्ता सिलीगुड़ी सब ठंडे पड़ गए। अच्छा जी, तो फिर अब थोड़ा उधर भी बाजार नरम हुआ है, और दिल्ली की लोडिंग वैसे बंद थी, दिल्ली में पैसे बन नहीं रहे थे। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, मेन तो दारमदार सारी दिल्ली के ऊपर है जी, दिल्ली की मंडी उठी, दिल्ली के ऊपर सारा दारमदार है, इतनी गाड़ियां यही खाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
अच्छा जी, अच्छा, चलिए धन्यवाद सर जी। और आम के कैसे बाजार चल रहे जी? आम के जो है 100 से 120 रुपए चल रहा है। अच्छा, जो 48 दाना, 36 दाना, 27 दाना। अच्छा जी, 60 दाना, 90, 100। अच्छा जी, हाँ। तो और जो मंगू माल है, हल्के माल है, वो 55, 60, 65। अच्छा जी, अच्छा, हाँ। ये सारा सफेदे का रेट है जी? ये सफेदे का रेट है। और वजन 10 किलो क्रेट में? नहीं, वजन भाजी 13-14 किलो क्रेट समीत है जी। आम आम। अच्छा जी, अच्छा, हाँ। 1 किलो की काट होती है क्रेट की। अच्छा जी, हाँ। जैसे 15 किलो का क्रेट है तो 14 किलो के पैसे लेते हैं। अच्छा जी, क्रेट साथ में है जी? क्रेट के 40 रुपए अलग लेते हैं। अच्छा जी, वो व्यापारी को देते हैं। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो मौसमी चल गई जी, सीजन चल गई, आप कोई दिक्कत नहीं। चलिए धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद। दोस्तों, ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी, और इनके ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका अब मौसमी का सीजन चल चुका है, अब लगातार चलता रहेगा। 25 गाड़ी बैलेंस। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादवपुर मंडी में आज का नारियल पानी का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या बाजार चले। आशीष कपूर एंड कंपनी भाई साहब के पास आज का क्या बाजार चला यहाँ पर, और भाई साहब देख लो, चाय पी रहे, आप लोगों को नारियल पना रहे, आप भी चाय पी रहे, और जगदीश छोटू भाई साहब ने इधर रख दीजिए। गलत बात भाई साहब, जब लोगों को आप नारियल पानी पिला रहे, आप चाय क्यों पी रहे जी? भाऊ जी, हर चीज का टेस्ट लेना चाहिए हमेशा, एक का नहीं लेना चाहिए। नारियल तो हमेशा पीते ही रहते हैं। वैसे मंडी वालों का पेट्रोल है चाय, ये इससे तो गुजारा चल रहा, खाने पीने के लिए तो आप तो मंडी में कम मिलता है। अच्छा जी, जो चीज चाय पीते रहो बस। अच्छा जी, अच्छा। आज गाड़ियाँ कितनी हो रही जी? सर आज कम से कम 47 गाड़ी है मंडी के अंदर। 47 गाड़ी, हाँ जी। और बिक्री कैसी चल रही? बिक्री मेरे पास तो आपकी कृपा बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, मंडी का सारी का रिपोर्ट दो जी। माहौल सही है मंडी का? अच्छा जी, हाँ जी। बैलेंस भी है इसमें? नहीं, बैलेंस नहीं ज्यादा। अच्छा जी, ताजी गाड़ियाँ ज्यादा है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आज के कैसे बाजार चल रहे भाई? सर ये जो मेरा माल है, बढ़िया क्वालिटी का, नंबर वन का। हाँ जी, हाँ जी। इसका रेट मैंने पन्नी का दर्दाने की पैकिंग खोली है, 450 रुपए की सर। अच्छा जी, और जो परचून का है वो 50 रुपए का। ये ऐसे छांट कर दिया? हाँ जी। और जैसे ये जो बीकोट है जी, है इसका तो कोई रेट ही नहीं है सर, जो मर्जी ले लो, 40 लेके 38 रुपए तक का रेट है इसका, 38-40 का बीकोटा। अच्छा जी, अच्छा। वैसे मंडी के अलावा और पोजीशन क्या चल रही जी आज की? पोजीशन बहुत बढ़िया है। अच्छा, कोई मार्केट डाउन नहीं है, तो माल बिकने लग गए जी? हाँ जी, सारी गाड़ियाँ खाली हो जाएंगी। अच्छा जी, शाम अच्छा। तक माल काफी बिकता है, तो गर्मी बढ़ गई जी अब? हाँ जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी? हाँ जी, हमारा मोबाइल नंबर है 99-99-623-724। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब जी। चलिए दोस्तों, जानते हैं 18 नंबर साइड में आज का संतरे का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। देखो क्या शानदार ब्रांडेड कंपनियों के माल आ रहे जी इस समय, ये सारे के सारे जो सुपर क्लास क्वालिटी के। चलिए जान लेंगे आज की संतरे की क्या पोजीशन है जी, मंडी में कितनी गाड़ी आई। दोस्तों ब्रांडेड में संतरे 3-4 किस्म के आते हैं, मैं आपको बता दूँ। एक लूज गाड़ियाँ आ रही, एक जो डब्बा ग्रेड में बिना वैक्स की आ रही, एक वैक्स वाले, एक जो है सिलेक्टेड माल आते हैं, जो मशीनों में ग्रेड होकर छांट के माल आते हैं, इनकी पोजीशन अलग होती है। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी, पहले तो सब किसान और व्यापारी भाइयों को राम राम। राम राम जी आपको भी। आज 45 गाड़ी के आसपास का लोड है, जिसके अंदर से आप ये समझिए कि आधा आधा ही होगा। अच्छा, 20-22 गाड़ी महाराष्ट्र से होंगी। अच्छा जी, और 20-22 गाड़ी ही राजस्थान से होंगी। अच्छा जी जी, माल तो बड़े शानदार जी। माल बड़े शानदार है सर, एक से एक माल है। अच्छा जी, लेकिन ये जो क्वालिटी आ रही है, हाँ जी, ये आप ये समझिए, ये क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा इस महीने ही आएगी। अच्छा जी, जैसे जैसे पीछे टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ जी, संतरों की क्वालिटी जो है वो 19 होती जाएगी दिन प्रतिदिन। अच्छा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी और राजस्थान में भी टेम्परेचर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में तो कह रहे फट्टे चक दिए जी गर्मी ने। हाँ जी, महाराष्ट्र में भी और ये राजस्थान में भी, लेकिन जो ये रस चल रहा है संतरे का, हाँ जी, ये भी इसको ज्यादा लंबा ना समझा जाए। अच्छा, क्योंकि राजस्थान में और महाराष्ट्र में होली तक के ना इनके कॉन्ट्रैक्ट करार बोलते हैं जिसको हम भाषा में, अच्छा जी, वो होते हैं। अच्छा, ये आप ये समझिए होली तक का रश है। अच्छा, होली के एकदम बाद जो है संतरा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जितनी क्वांटिटी आज आ रही है उससे 25-30% रह जाएगा। अच्छा जी, 70% जो है वो निपट जाएगा। फिर होली में तो कोई ज्यादा दिन नहीं रहे जी? होली में ज्यादा दिन नहीं रहे हैं। अच्छा, होली पे महाराष्ट्र की ज्यादातर मंडियां जो हैं वो क्लोज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अच्छा जी, चंद मंडियां जो है गिनी चुनी 4-6 मंडियां ही चल पाएंगी। अच्छा जी, वजह यह है, एक तो वहां पर इतनी गर्मी के अंदर काश्तकार जो किसान है वो संतरे पे को झाड़ पे रुकने नहीं देगा। अच्छा जी, क्योंकि उनसे उनके पेड़ों को जो है वो रिस्क हो जाता है, अगली फसल में नुकसान, अगली फसल के लिए नुकसान हो जाता है। अच्छा, तो वो लोग करार उतना देते नहीं है। अच्छा जी, ये वजह है राणा जी। तो मार्केट में उठाव कैसा है जी? मार्केट में उठाव पूरा है, लेकिन रेट जो है वो झटका नहीं लिया रेट ने, वजह ये है कि एकदम पीछे से रश पड़ गया
जो लूज में भी आज समझिए आज लूज और पैकिंग की मिला के 100+ गाड़ियाँ होंगी राणा जी। बोले बोले जी। जी सर, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, माल बिक रहा है, लेकिन रेट जो है रेट वैसा ही समझिए। पर फिर भी दिल्ली खा जाएगी जी सबको जी। दिल्ली सब खा जाएगी सर, और भी आ जाएगी और भी खा जाएगी सर। दिल्ली में खासियत है सर, सवेरे फट भरा शाम को खा ली। खा लीजिए जी सर। चलिए जी, आज के जनरल रेट क्या चल रहे जी मंडी? जनरल रेट जो चल रहे हैं सर 141 जाने के जनरल रेट यही समझिए। हाँ जी, 1100-1200 रुपए। अच्छा, जो ज्यादा अच्छे संतरे हैं वो 1300-1400 रुपए के राणा जी। अच्छा जी। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ जी, उनके उससे भी ऊपर रेट है। अच्छा, वो रेट मैं इसीलिए नहीं बता सकता क्योंकि लोगों ने संतरे ले रखे हैं, अभी रेट फाइनल नहीं होते, कईयों के अभी 2 बजे होंगे, कईयों के शाम को 4 बजे होंगे। अच्छा, इसलिए उनका रेट बताना अभी पॉसिबल जो है। अच्छा जी, वो नहीं है, यानी जो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल होते हैं, हाँ जी, वो सवेरे जो ज्यादा बढ़िया माल के लेने वाले खरीदार है वो विदाउट रेट उठाकर ले जाते हैं। जो रेट बिकेगा, जो रेट बिकेगा सर, बिकेगा या वही उन्हीं के पास होता है वो फाइनल करते हैं सर। अच्छा जी, जी सर, जनरल रेट आप यही समझिए 1100-1200 रुपए, और वैसे वैसे जो है अच्छे संतरे 1200-1400 रुपए, 1300-1400 रुपए। अच्छा जी, बाकी जो है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2-3 लाट जो छूटेंगे उनके ऊपर भी लगेंगे। अच्छा जी, जी तो मंडी में सबसे ज्यादा कौन से साइज के क्रेटे आती है जिसमें? सर ऐसा है, इसके अंदर सारी क्रेटे आती है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है वो छोटे दाने की चल रही है, 205-191 की ज्यादा डिमांड चल रही है सर। ये उसकी वजह ये है, 205 दाना 6 तय में होता है, और अच्छे 205 दाने जो है वो 28 किलो वजन के निकलते हैं, जिसके अंदर से 26-26 किलो माल जो है वो जो परचून वाला है उसके हाथ लगता है। अच्छा जी, ज्यादा तेजी जब होती है और ज्यादा उठाव जब होता है तो नीचे के संतरों को ज्यादा होता है सर। अच्छा जी, क्योंकि गाहक जो है वो भी 50-60 रुपए किलो संतरा लेना माफिक समझता है, बल्कि 80-100 रुपए। आज के आज आपके पास से कहां तक का, दूर से दूर की कहां की लोडिंग हुई जी यहां से? सर यहां से हर जगह की लोडिंग है सर, आसाम की भी है, अपना हरियाणा पंजाब की भी है सर। अच्छा जी, जम्मू की भी है, श्रीनगर की भी है। अच्छा, सब जगह के खरीदारों ने माल लिया, लोडिंग हमारी नहीं होती। अच्छा, जो हमसे लेते हैं वो लोडिंग करते हैं सर। अच्छा जी, यानी बाहर की लोडिंग चल रही है? बाहर की लोडिंग चल रही है सर, और आने के टाइम में बाहर की लोडिंग और बढ़ेगी सर। इस पे होली पे माल ज्यादा बिकता है, ये किन्नू वगैरह या जैसे भी जूस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अच्छा जी, होली पर क्या होता है, माल शार्ट होने की वजह से, और जो छोटे छोटे शहर है वहाँ पर तो स्टोर निकलना चालू हो जाता है ना सर, 1 तारीख। अच्छा, 1 मार्च से, मतलब 1 अप्रैल से स्टोर निकलना चालू हो जाएगा सर। अच्छा जी, जी सर। पर इस समय तो बस जिसको खाना अभी मौका है, जिनका अभी मौका है सर, और ये रश जो है ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये होली तक का ही रश है, होली के बाद और 1 तारीख के बाद 1 अप्रैल से माल ज्यादा शार्ट। अगले संडे की होली नहीं है जी शायद, सोमवार की, आज सोमवार है, अगले सोमवार की होली सर, भाई यही रश समझिए, इतना ही। आज का दिन तो गया, 5 दिन और बचे, 5-6 दिन का रश है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा जी, बहुत ज्यादा अगर हद मार लेंगे आप तो समझ लीजिए होली के 1-2 दिन बाद तक का, ठीक है जी, उसके बाद एकदम ही जो है शटर डाउन। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कार्ड दिखा दो जी। जी सर। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका, अभी आने वाले कई महीने जो है यही ब्रांडेड वाले संतरे का काम चलेगा। और दोस्तों, संतरा अभी खाने का मौका है जी, जहाँ से भी मिले, जिस भी रेट में मिले, क्योंकि मार्च के अंदर संतरे में बहुत गुण होते हैं, और अमीर जितने बंदे हैं तब ये 100-100 गाड़ियाँ बिक रही दिल्ली में, अमीर सारे बंदे संतरा जरूर खाते हैं इन दिनों में, अपना कोट खा के शरीर के अंदर विटामिन सी का कोटा पूरा कर लेना चाहिए। दोस्तों जानते हैं 17 नंबर सेट में आज का लूज वाले संतरे का क्या बाजार चला। दोस्तों वैसे लूज संतरे की स्पेशल मंडी 12 नंबर सेट है, 12 नंबर सेट में आपको लूज संतरा मिलेगा, यहाँ तो उनका काम है जिनका डब्बा क्रेट का भी काम है, लूज का भी काम है, या फिर अपना आंब का भी काम है, वो जो ऐसे 17 नंबर सेट में मिलेंगे, जैसे बल्लू भाई साहब। चलिए जानते हैं बल्लू भाई साहब के पास आज का क्या शानदार नंबर 1 के माल आए जी, हैदराबाद भी फैल कर दिया जिसने, तो हैदराबाद के जो नामी ग्रामी आम थे वो भी इसके आगे फैल है जी। आप तो चलिए जानते हैं आज का कैसा है। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब जी, जो हैदराबाद के नामी ग्रामी माल थे वो भी फैल कर दिए जी आपका, आपने करीम नगर के माल है, करीम नगर के माल है, 130 रुपए किलो बेचा है ये, 130 रुपए वाला बेचा, 120 रुपए किलो ये वाला जी। हाँ जी। अच्छा, बाकी 60 दाना बिका 110 रुपए किलो। अच्छा जी। हाँ, और 48 दाना बेचा इसका 120, 15, 18, 22। अच्छा जी। ये बेचा 130 रुपए किलो, ये 36 दाना है। अच्छा जी, पूरे जबरदस्त क्वालिटी के माल, जबरदस्त क्वालिटी के माल थे जी, बिगे लेने लग के। अच्छा जी। अच्छा, और बाकी तुम्हारा संतरा ये 2 नंबर वाले बेचा 45-48, ये 45-48 ये वाला बेचा भाव जी 55-50-60 रुपए तक बेचा है लूज में जी। लूज में इतना महंगा ले रहे जी इसको? बिगरा भाव जी, सब बिक गया, बिक गई आपके सामने गाड़ी खाली पड़ी, एक गाड़ी परे लग रही है, 12 में खुलवाई, जगह कम थी।
अच्छा भाई, ये छोटा वाला बब्बू 12 में भी है अपनी गाड़ी? हाँ, 12 में लगी है। संतरे की कितनी गाड़ी लूज अपने पास? अपने पास 3 गाड़ी है भाजी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। और आम की? आम की एक गाड़ी, अभी तो एक ही भाजी इतने रुपए की बैठ रही है। अच्छा जी, और किन्नू भाई साहब जी? किन्नू नहीं है आज, किन्नू कल लगेगा। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, तो संतरे के पूरे रेट बता दो जी। संतरा भाजी जो एक नंबर माल है वो बेचा हमने 50 रुपए, 52 रुपए से 60 रुपए किलो। अच्छा जी, और जो 2 नंबर माल है ये वाला? हाँ जी, ये बेचा 45, 48, 47। अच्छा जी, और जो इसका 3 नंबर है ये वाला? हाँ जी, वो बेचा 34 रुपए, 33 रुपए, 35 रुपए। अच्छा जी, जो सबसे छोटा माल है वो बिक गया लग रहा पीछे, वो बेचा 25 रुपए किलो। अच्छा, जो 5 नंबर माल है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, वो 25 रुपए किलो। संतरे का तो इस हफ्ते ही लोड रहेगा? इस हफ्ते नहीं, संतरा तो अभी 15 दिन चलेगा। नहीं, जैसे ये लूज गाड़ियां का लोड, लूज का 15-20 दिन तक चलेगा भाजी। और ये डब्बा क्रेट? डब्बा क्रेट भी चलती रहेगी। अच्छा जी, जैसे भरपूर बाजार जो है वो 15 दिन तक रहेंगे। अच्छा, नॉर्थ तक, उसके बाद में फिर स्टोर निकलना चालू हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, अपना भी बड़ा है स्टोर में। तो अब की बार हैदराबाद का करो भी काम भाई। हाँ जी, हैदराबाद, वरंगल और 3-4 जगह के माल आते हैं अपने पास। अच्छा जी, ये आम का जी है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी 84 48 93 99 10। बहुत बहुत शुक्रिया जी।